हेलो डियर, तो आज मैं फिर से बता दूं कि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो आते हैं अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आते हैं, जिससे आप अवेयर और जानकार हो सकें। सो आज का ऐसी टॉपिक है जिससे आप जानकर बहुत सारे नॉलेज गेन करने वाले हो, जिसे जानकर आपको काफ़ी खुश फ़ायदा होगा। तो आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ डेंटल डैम एंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डेंटल डैम। थर्ड, व्हाट इज़ रबर डैम एंड फोर्थ, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रबर डैम एंड डेंटल डैम। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये जानेंगे। नंबर 5, डेंटल डैम क्यों इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट इज़ यूज ऑफ डेंटल डैम। नंबर 6, डेंटल डैम क्या डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, यानी डेंटिस्ट डॉक्टर हैं। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, हो सके तो इसका पार्ट 2 भी बन सकता है। सो ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप बने रहिए एंड तक। सो लेट्स प्ले अगेन। नंबर 1, व्हाट इज़ डेंटल डैम। डेंटल डैम क्या है, इसको जानने से पहले मैं बता दूं कि डेंटल डैम को माउथ कॉन्डम भी कहा जाता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि डेंटल डैम किसे कहते हैं, यानी माउथ कॉन्डम को ही डेंटल डैम कहा जाता है। एक डेंटल डैम 6 स्क्वायर इंच का स्क्वायर सीट का एक पॉलीयुरेथेन या लेटेक्स का एक सीट होता है। तो क्या अंतर है रबर डैम और डेंटल डैम में, तो रबर डैम और डेंटल डैम दोनों एक ही है, तो कोई दोनों में अंतर नहीं। सवाल आता है कि डेंटल डैम इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो डेंटल डैम माउथ के पास या वेजाइना या एनस किया जाता है। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो ओरल सेक्स के लिए किया जाता है। ओरल सेक्स क्या है अगर जानना है तो आप कमेंट करें। तो डेंटल डैम का इस्तेमाल ओरल सेक्स के लिए किया जाता है। एक और सवाल आता है कि डेंटल डैम क्यों इस्तेमाल किया जाता है ओरल सेक्स के लिए, तो मैं बता दूं कि STI, STD, HPV, हर्प्स, पीविक लाइस एक्सेट्रा, इन सभी से बचाव के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपको ये सभी बीमारी ना हो। अगर आप ओरल सेक्स करते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आपको तो HPV, STI, STD जो भी बीमारी है बहुत सारे हो सकते हैं अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ओरल सेक्स करते हैं। तो एक और सवाल आता है, क्या डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं डेंटल डैम, तो मैं बता दूं कि हाँ, दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं फॉर ओरल बैक्टीरिया के लिए। मतलब ओरल बैक्टीरिया जो हैं, मतलब मुँह के जो बैक्टीरिया हैं वो फैले नहीं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जैसे एक दांत है ठीक, जिसे निकालना है, तो उनके जो बैक्टीरिया सब हैं वो दूसरे दांत पे ना फैले, उसके लिए वो डेंटल डैम या रबर डैम इस्तेमाल करते हैं, जिससे दूसरे दांत में वो इन्फेक्शन ना फैल सके, इसलिए वो डेंटल डैम लगाकर ही वो काम करते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया होगा तो मैं पार्ट 2 भी बना सकता हूँ, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो पहले ही आपके पास पहुँच जाए, जिससे आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें। सो एट द एंड, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।